shit. Fuck. All right. So hey guys, what's up? And welcome back to my YouTube channel. तो आज है हमारा डे थ्री. दो दिन से मैं कंटिन्यूसली राइड कर रहा हूँ. मतलब हाँ, रात में ब्रेक ले रहा था, बट दो दिन से कंटिन्यू राइड हो रही है मेरी. और आज का दिन तीसरा है मेरा. और इधर रोड का काम अच्छे से चालू है. बाकी दो दिन में तो बहुत मज़ा आई है. थोड़ी हालत भी ख़राब हो गई थी क्योंकि इतना घूम रहा हूँ, इधर उधर का पानी पीने में आ रहा था, पेट भी इधर दे रहा था मेरा. बट सो फार सो गुड, अभी ठीक हूँ एकदम. और आज रिटर्न आ रहा हूँ मुंबई. तो आज का ब्लॉग लास्ट होगा ये ट्रिप का. बाय द वे, ये व्यू कितना सही है देखो. आई होप आप लोगों को ये सब एकदम क्लियरली दिख रहा भी होगा और पसंद भी आ रहा होगा. तो ये तो व्यू इतना ऑसम दिख रहा है ना इधर से, इसकी क्या ही बात करूँ मैं. बाय द वे, अभी टाइम हो रहा है 4:12. थोड़ा शाम में ही निकला हूँ क्योंकि दोपहर में निकलने का मन नहीं हो रहा था. सोचा दोपहर में थोड़ा आराम करता हूँ, फिर शाम में निकलूँगा ठंडी वक्त, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. इसलिए अभी मैंने स्टार्ट किया इधर से. देखते हैं अभी नॉन स्टॉप मुंबई जाने में कितना टाइम लगता है मेरे को. गाइस यार, रास्ता देखो ना कितना सही लग रहा है. हर जगह से पहाड़, बीच में एक सिंगल सा रोड. दो वो तो रोड के दोनों साइड हरियाली, फुल सॉर्टेड. कितनी ज़्यादा हवा चल रही है ना अभी फ़िलहाल, पता नहीं मौसम अचानक से बदल गया है. मे बी इधर बारिश भी हो सकती है क्योंकि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा विंडी हो गया है. और हमारे बाइक में पेट्रोल की लाइट जल चुकी है, तो जल्दी इसको फ्यूल अप कराना पड़ेगा. पहाड़ देखो कितने मस्त दिख रहे हैं, वो बीच में सिंगल लेन, पूरा कर्व है देखो. इधर के रास्ते भी बहुत सही है यार. ये रास्ता देखो, पहाड़ों के बीच में रास्ता है ना, इसलिए ज़्यादा सही लग रहा है. पूरा ऐसा लग रहा है लद्दाख जा रहा हूँ. ये आई लद्दाख में हमारी लाल परी. वर्थ है यार इधर आना. क्या सही रास्ते देखो, सामने व्यू देखो, प्योर नेचर. चलो टंकी में पेट्रोल भर के तो हो गया, अभी टेंशन नहीं. अभी जो रास्ता चालू हो रहा है वो रास्ता देखो, बस लिटरली हेवन टाइप है. देखो व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू. क्या ही रोड, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, बट बहुत ही सही रोड बनाई है. अच्छा हो रहा देखो ना ये रोड तो, देखो फुल लद्दाख वाली फीलिंग आती है. इधर रोड भी क्या मस्त बना है देखो ना,
ओहो, क्या गंदी हवाएं चल रही है यार। मैं 70-75 पे बाइक चला रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई मैं 120 क्रॉस चल रहा हूँ, इतना हवा लग रही है मुझे। ऐसे टाइम पे ब्लैक वाइजर काम आता है। इतना सनलाइट आंखों पे आ रही थी ना, क्योंकि बिना वाइजर ओपन रख के तो मैं चला ही नहीं पाऊंगा ऐसा। बट हमारा वाइजर ब्लैक है इसलिए इतना नहीं आ रहा है आंखों पे, जो अच्छी बात है। हाँ सही नज़ारा है, बस सूरज इतना आँख पे आ रहा है कि बाइक चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या वो सनसेट होने जा रहा है, तो जैसे जैसे आगे जाऊंगा वैसे वैसे नीचे होने वाला है, तो और ज़्यादा आँखों पे आएगा भी वो। तो कोई नहीं, आई गेस हम लोगों ने अभी अच्छा खासा कवर कर लिया है। अभी भी 100 या 110 किलोमीटर बाकी हो गए कुछ, तो वो भी हम जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। सही नज़ारा लग रहा है, देखो ना पूरा रोड गोल्डन हो गया। अब बस हम, अगर अभी तक आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। और अभी तो बाकी है, अभी हम लोग लोनावला आ जाएंगे। अभी भी है 10-15 किलोमीटर लोनावला। बाकी सनसेट होने वाला है अभी, बस मैं ट्राई करूँगा अगर सनसेट लोनावला में मिले। हाथों में दर्द होने लगा है, तो यार ये राइड में मज़ा बहुत आ रहा है। ट्रैफिक ना मिले, वे शाम का वक्त हो गया मतलब ट्रैफिक मिल सकती है लोनावला में। व्हाट अ व्यू यार, व्हाट अ व्यू। सीरियसली यार, मतलब बोलते हैं वर्थ लगा मेरे को पूरा राइड। हम लोग शायद लोनावला के पास होंगे, मतलब लोनावला में एंटर कर दिया, मगर सनसेट पॉइंट पे अभी हम परफेक्ट सनसेट में होंगे। शिट 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 शिट, आगे कुछ तो हुआ है। ओके, एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ है इधर। शिट, तगड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ इधर।
जल्दबाजी करके हमको किधर नहीं जाना होता, फिर ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। एम्बुलेंस वगैरह आई, उधर लेडीज बेहोश पड़ी थी या क्या हो गया मेरे को पता नहीं है, और उधर रुकने भी नहीं मिला मेरे को ज़्यादा। प्लीज यार सेफ्टी के हिसाब से बाइक भी चलाया करो। फाइनली लोनावला में आ गए, अभी परफेक्ट सनसेट मिलने वाला है, परफेक्ट। वो वॉट अ व्यू यार, वॉट अ व्यू, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। वाह, सही टाइमिंग पे आया मैं। क्या खूबसूरत सा सनसेट है, वाह, फुल सॉर्टेड। तामा भी बोल तो है, क्या सही सनसेट है, एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन हुआ, बराबर सनसेट के बाद टाइम में इधर आया। थोड़ा सा भी ब्रेक लेंगे इधर, तो फाइनली ये ट्रिप एंड होने वाली है। अभी लोनावला भी क्रॉस हो गया, अभी हम लोग हैं लोनावला के घाट में, कुछ किलोमीटर्स और कुछ नहीं बट मज़ा आया, लिटरली मज़ा आया, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस आया फर्स्ट टाइम इतना लॉन्ग रूट करने का। बस अंधेरा होने के पहले घर पहुंचना है। वाटर रोड, तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि मुझे अभी ऐसे रोड ट्रिप करना चालू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो नई नई प्लेस एक्सप्लोर करने में मज़ा आती है ना, वो अलग लेवल होती है। अभी हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग रूट में राइड करने का। हो गई यार रात, हो गई बट अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिया है मैंने, थोड़ी देर में मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। सो फाइनली ये ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है, रोड ट्रिप हमारी पूरी हो गई, सब अच्छे से रहा, और अभी एक कॉन्फिडेंस सा बिल्ड हो गया है मेरे में कि हाँ भाई मैं अभी इस पर लॉन्ग राइड मार सकता हूँ। सो फार सो गुड, सब अच्छे से हुआ, दैट्स इट। बस आज के ब्लॉग में एक रोड एक्सीडेंट देखा हम लोगों ने, जो देख के मेरे को तो बहुत बुरा लगा, मतलब क्योंकि जो हिसाब से उधर मैंने वो लेडीज़ की कंडीशन देखी, पता नहीं अभी वो क्या सीन होगा। तो स्टिल जाते जाते बस एक ही मैसेज का, गाइस आप अगर बाइक राइड कर रहे हो तो एकदम आराम से करो, कोई ज़रूरत नहीं है बाइक एकदम ड्राइव करने की, रैश ड्राइविंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक लाइन है ना दुर्घटना से देर भली, प्लीज़ वो लाइन का यूज़ करो। और आई होप आप लोगों को ये पूरे तीन ब्लॉग अच्छे लगे होंगे तीन दिनों के। तो अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आप लोगों को क्या क्या पसंद आया वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।